आपने अपने पति को नींद की गोली खिलाने के लिए वो अपनी सहेली से गोली मंगवाई? हाँ जी। उस दिन हीटर था, हीटर टूट गया, मेरी आंसी छूट गई भाई, और उसने वो हीटर की तारे काट के मेरा दो तीन मारी। तो आपके आपके पति हैं वो क्या कह रहे हैं, वो आप किससे अलग होना चाहते हैं, नहीं रहना नहीं, आपका? देख, मैं तो ना तो ही उसका दौरा मेरा फोन आंदा ना मैं कर दी, क्योंकि मैंने तो नंबर वगैरह सब जब मेरे मार पीट का काटी थी मैं, उसने उस टाइम मैंने पुलिस वाले ठा के ले आए थे उड़ता, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है जो मेरे चोट मार रखी है सारी। तो वो मैं चली गई, मैं अपने लड़के को लेने गई थी, उसके बाद मैं अलग हो गए थे, मैं उस घर से निकल गई थी, तो वो गाड़ी पर चला गया। मेरे तब बलानू का अगर तू आज इस घर में मिलगी ना मैं तो मैं तेना जानता मार दूंगा, ऐसा बोल के गया था। हाँ जी। अच्छा। और फोन पे भी मेरे को बार बार यही धमकियां दे रहा था, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी उस चीज की, जब मैं गई उसने मेरी वो चिप तोड़ दी, उसमें मैंने चिप डाल रखी थी, उसमें हर चीज की रिकॉर्डिंग थी उसकी, मेरे को क्या क्या गालियां क्लोज करता था, क्या क्या उसने बोला, इतनी गंदी बात बोली थी भाई मैं बोल नहीं सकती। तो बोला आज मैंने घर मिल गई तो मैं तेरा नू करके नौ कर दूंगा और तू चली जा। मैं बोली मैं कड़ा जाऊंगी, बोला कहीं भी जा तू चली जा, मेरे घर से निकल जा, बस मेरी शकल भी नहीं देखनी तेरी। तो ठीक है, मैं वहां से अपने बच्चों को लेके चली गई, मैं मोड़ पे खड़ी होगी जाके ना, तो जो मेरी बुआ रहती थी उसके जिठानी जुठनू रहा कर दी, तो उनसे मैं नंबर लेके आई आती, मेरी बुआ का, मेरे पापा और का, उनसे लेके आई मैं आती, मगर बुआ मेरे को नंबर दे दो, ऐसे ऐसे बात है। तो मेरी बुआ ने मेरे को नंबर दे दिया, बोली इधर पापा का तो है कौन, मेरे पत्री बुआ और का है, ले जा। मैं मोड़ पे खड़ी होगी सुराले मोड़ पे, वहाँ आके मैंने अपने घर वालों के पास सबके साथ फोन करा, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मेरी बुआ ने, बड़ी बुआ थी जो मेरी, मेरे भाई और ने मेरा फोन उठाया, बोले जब नहीं देखा था ना कभी जब तू चली गई थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरे पे गलती होगी, मेरी रात रात कटवा दो, मैं अपने बर्कन लेकर रात ना कित जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि कहीं भी जा, हम नहीं कटवाएंगे रात। ठीक है, उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया भाई। उसके बाद बोला कि तेरे पापा से बात करके बताऊँ, मेरी बुआ ने थोड़ा तरस आया मेरे पे, तो मेरी बुआ बोली रुक मैं तेरे पापा के पास फ़ोन करूँ और उसका पूछूँ मैं एक बार। तो मेरे पापा से मेरी बुआ ने बात करी, तो मेरे पापा ने स्पष्ट जवाब दे दिया, उन्होंने बोला मेरे घर पर नहीं आएगी, चाहे कोई किसी को अगर कोई लेके जाएगा उसको तो वो मेरे से बुरा नहीं होगा, वो भी मेरे से टूट जाएगा। तो वे डर गए, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, उन्होंने तेरे पापा तो साफ साफ मना कर रहा है। तो मेरी बुआ ने मेरे चाचा का नंबर दिया मेरे को, क्योंकि चाचा मेरे ज़्यादा क्लोज थे मेरा। तो उन्होंने मेरे चाचा का नंबर दिया, कह रही भी तेरा चाचा को लाना रहा है तो उसके पास चली जा, उसका नंबर ले ले। तो उस टाइम मैंने मेरे चाचा के पास ही बहुत फ़ोन करे, मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। मैंने वही रात भाई मैं बुन्ना चली गई, बुन्ना जाकर मैंने रात काटी उड़ा, वो भी मैंने उसमें पार्क में बैठ के रात काटी मैंने उड़ा। तो भाई किसी ने मतलब ससुराल से सीधा फिर अपने वो बुना गई वहाँ से? हाँ जी। अच्छा। मैं वहाँ बुना जाके मैंने पार्क में बैठ कर रात काटी भाई, मैंने सोचा मैं बच्चे हैंगे लकड़ा जाऊंगे। तो उसके बाद भाई एक लड़का था जो उसी का दोस्त था, मेरा देवर लागे करता, तो मैंने उसके पास फोन करा, हमने बोली मखा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मां मैं कहाँ जाऊँ, बोले अपने घर वालों के पास फोन करा था ना भाभी, मखा मैंने सबके साथ ट्राई कर लिया, मां मेरे कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी ने सबने मना कर दिया। तो बोला कोई बात नहीं मैं आने लग रहा हूँ, बच्चे तेरे साथ है, मखा हाँ। तो उसने मेरे को मतलब कमरा भी दिलवाया, घर का सामान वगैरह तो जो था वो भी दिलवाया, बोला तू यहाँ पे रह कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे को बता दिए, मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद भाई उसने मेरे फोन फान करे मेरे दौरा, उन्होंने कहा तू कहाँ है, मैं कहा तेने बोला था चली जा, मैं चली गई, बोला मैंने थोड़ा ना बोला था तेरे को चली जा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी तेने, तने एक इतनी गंदी गंदी बात बोलनी मेरे तक, मैं नहीं जानती तू मैंने अज मारे ना देंदा, इतने दिन हो गए तेरी बर्दाश्त कर रही हूँ, कोई बात नहीं मेरा सहारा नहीं था कोई, तो इसी कारण मेरे मजबूरी का फायदा उठा रहा था। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे पर गलती होगी तू आ जा, मखना मैं कौन आंदी, मैंने बहुत सहन कर ली। तो एक हफ्ता में रही भाई उड़े कमरा में, एक हफ्ता बाद फिर उसने मैं बड़ो चपड़ो कर रो रहा करने बुला ली, मैं फिर चली गई, मैं चल कोई बात नहीं बंदा का आँख हो जा करा सुधर जा करा। उसके बाद भी वो सुधरा नहीं भाई, दो चार दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर वही टॉर्चर करना सहन कर दिया मेरे ऊपर, वही मारपीट स्टार्ट कर दी उसने, फिर तो मतलब बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकला, बिल्कुल ही पैरे लगा दी जमा मेरे ऊपर। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, और मेरा फोन था जो चिप थी उसने हीटर पर रख कर जला दिया, ये किसी के साथ बात ना कर सके। तो उसके बाद भी भाई मैं फिर भी एक डेढ़ हफ्ता बाद मैं निकली वहाँ से, मैं बहुत मुश्किल निकली, और उस टाइम लॉकडाउन लग रहा था,
तो बस वगैरह कुछ नहीं चलती थी उस टाइम में। मैं बहुत मुश्किल से निकली वहाँ से, निकल के फिर भाई मैं उसी रूम में अपने चली गई, वहीं रहने लगी अपना। मतलब बाड़ियों का सीजन था, मैं बाड़ी बूढ़ी चुगी मैंने जब अपने बच्चों का थोड़ा पालन पोषण करा। और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड थे, बच्चों के जन्म पत्री थी, मेरे भी कागज थे, उसने वो सारे जला दिए। अच्छा, पता नहीं भाई जलाए हैं या पता नहीं निकाले हैं, मेरी लड़की उस चीज की गवाह है। तो बोली मम्मी तू नहाने चली गई थी, बोली तेरे कागज निकाल के पापा ने, बोली एक चाचा है जो काकल के करता हमारा, उनका वो आ रहा था नहीं, उसने उसते दे दिए उनका निकाल के, उसने ना मम्मी पेट में लको लिए, वो कुर्ता पजामा डाल रखे थे उसने ऐसे पेट में लको लिए। तो उस चीज की मेरी गुड़िया भी गवाह है। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल। उसकी कितनी है? उसकी भाई 30 तो ऊपर ऊपर है। 30 तो ऊपर, हाँ। तो भाई उसने वह कागज भी लुको लिए मेरे, और जो मेरी लव मैरिज की फाइल थी वो भी जला दी उसने। अच्छा, बोला मतलब उसका कोई सबूत ना रहा है। हाँ, तो उसके बाद मैंने कया महातना डॉक्यूमेंट लुको लिए मेरे, उन डॉक्यूमेंट तक के कर लगा तो लुको का। बोला डॉक्यूमेंट तो मैं तेने देंदा एक नहीं लूंगा, जो मेरे कानों में बालियां थी वो भी मेरी कटवा ली थी उसने, जो मेरा मंगलसूत्र वगैरह था जो सब चीजें मेरी कटवा ली मतलब उसने। बोला मेरी है दे दे। तो एक काका था जो उन्होंने बोला नू के भाई कोई बात नहीं, नू ना कटवाया कर दे, नू के बहू है, फिर के बात होगी, नू कह तेने बनवा के तेरी होगी अभी या किसी भी करने की थोड़ी ना है। तो उसने निकलवा ली, मैंने दे दी हंसे खुश खुशी, महा ला तू रख ले अपने, तेरा इससे बर्ताव ना तू ये रख ले, मन नहीं जरूरत है महा इन चीजों की। तो उसके बाद भी भाई उन्होंने मेरा फैसला मतलब चाचा था जो उन्होंने कह सुन कर ना करवा दिया था। तो 1.5 महीना में रही, 1.5 महीना उसने कुछ भी नहीं करया, दारू पीन लग गया था मतलब देसी घर की लिया करता, कटवाई एक बोतल लिया कर कितनी बड़ी पैप्सी की, तो उस मतलब लेंदा ऐसे ही पी लिया करता। मैं बोली मखाई आई तू पीण लग गया, मैं पहला तो कदे ना पी तेना, मखाई कुकर पीण लग गया, बोला तेरा गम है, मखा मेरा गम के था, मां तेना खुदे तो काढ़ी थी, तू इतना टोसर ना ही करता मखा, तो मैं क्यों जान दी पहला की नहीं गई मैं उदन की, मखा तेना इतना सहन करा, मना तेरा बहुत ज्यादा बर्दाश्त करा, मैं इतना तो कोई भी कौन करा, एक जानवर भी कौन नहीं करा इतना टोसर सहन जितना मन ने करा है। तो वो बोला कोई बात नहीं, उनका मेरे पर गलती होगी, उनका सामी गलती मान ली उसने, तो मैं तो अपना अपना घर जाना ही था भाई उन्हें। तो फिर उसने मेरा इतना पैरा रखा भाई, मैं किसी लेडीज गल भी बोल दी तो भी उड़ा खड़ा होता मेरा बराबर, किसी गल मेरे तो बोलना नहीं दिया उस आदमी ने, बस गेला 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 नूर होंदा मेरा, और रात दिन सोया नहीं करता अगभी या कद चली ना जावे। तो मैंने बोली रखवाली करता था, हाँ रखवाली कराया करता भाई, जब मानू जेल की तरह रखी मैं उसने उस टाइम, तो रात दिन मतलब सोया नहीं करता वो, तो बंद बंद का भाई मेरे हाथ पैर जद टोर्चर कराया करता, जो मतलब आंदा उसका हाथ में वो ही चेप दिया करता। एक दिन हीटर था, हीटर टूट गया, मेरी आंसी छूट गई भाई, और उसने वो हीटर की तारे काट के मेरा 2-3 मारी। अच्छा, हाँ। तो मैं बोली मखा ये क्यों मारिया तना मेरा, मामने तो तेरे कुछ कहा है को नहीं, हीटर टूटा होगा, मैं तो आस पड़ी महा चल टूट गया कोई बात नहीं और ले आव, तो मैं तेना मारे क्यों, बोले तू आसी क्यों भाई, एक बात बताओ जब कोई मैंने तू आसिया ही जावा इंसान ने, कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। तो उस खातर भी उसने मेरा मारी तार में, तो मैंने सोचा मैं चल कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भाई मैं 1.5 महीने मैं उड़ते निकली, उसने मेरी सहेली थी एक, उस पर मैंने भाई गोली मंगवाई, झूठ नहीं बोलती मैं, गोली हाँ। अच्छा, क्या की ये नींद की? अच्छा, भी जिस तरह सो जाए मैं यहाँ से निकल सकूं। आपने अपने पति को नींद की गोली खिलाने के लिए वो अपनी सहेली से गोली मंगवाई? हाँ जी। तो फिर मैंने वह नींद की गोली मंगवाई भी मेरे तो निकल जाऊं। अच्छा। फिर उसने भाई मेरे हाथ की ना तो कदे चा पी ना कदे रोटी खाई, वो खुद बनाया करता खुद खाया करता, इसे ना होगा भी कदे मैंने की मैं गाल के ना दे दे। उसको कैसे शक हुआ कि भी आपने नींद की गोली मंगवा ली है, उसको कोई शक हुआ? फिर वो आपके हाथ की ना चाय लेता ना खाना लेता? पहले कौन खाया? पहले नहीं। अच्छा, 1.5 महीना हुआ था मरण दिन, उसके बाद मेरा खाना पीना हाथ का सब छोड़ दिया। क्या प्लान था नींद की गोली से निकल सकू? अच्छा, निकलने के लिए भी ये जेल तो बेहतर है, अपना अपने बच्चों ने खुद पाल लूं जा करना रह लूं, ठीक है। उसके बाद भी भाई उसने मेरा कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ नहीं करा। फिर एक दिन वो बाहर चला गया, उसके बाद मैं निकली वहां से, उसने मेरे को मारा पिटा भी उस दिन, फिर रात ने मेरे साथ बहुत टॉर्चर करा उसने। फिर सुबह मैं रोंदी रोंदी निकली थी उड़ते, ठीक, मैं तो सुबह रोंदे रोंदे निकली उड़ता, फिर जाकर ना मैं उसे कमरा अपना रहने लग गई अपने बच्चे का। फिर मैंने फिर उसने 1.5 महीना बाद सू बेरा पट गया भी, वह कड़ा रवे है, उसने बेरा पट गया कड़ा रवे है, तो उड़ते वो मेरे बच्चे ने उठा लाया। अच्छा, ये खेलने लग रहे थे गली में, वो नठा के ना ले आया, तो लड़की तो मेरी अंदर बढ़ गई बाज के, लड़का मेरा बाहर खड़ा रह गया, उसने उठा लिया लड़की ने। हाँ, लड़के ने। उसको कैसे पता चला कि आप वहाँ रहते हो?
पता नहीं भाई। अच्छा मैंने अपने खुद नहीं पता भी किस तरह पता चलिया, या फिर मैं आई हूँ जैसे पीछा करा मेरा किस तरह पता चलिया उसने, मैंने नहीं पता उस चीज़ का। तो लड़के ने ठा लिया, लड़के ने ठाने के बाद उसने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा आपका पति आपको ब्लैकमेल करने लगा? बोला अच्छा तो तू आ जा, इस लड़के ना मार दूंगा मैं। मैं बोली मखा लड़के ना क्यों मार देगा तू, मखा लड़के आके खोट है। मखा चल कोई बात नहीं, मैं आ भी जाऊंगी, मैं फिर तक सुधर जाएगा। तू इतने दिन हो गए जब मैं तेरे लोकर लग रही हूँ, तू सुधर दे क्यों नहीं। मखा ना तू काम धंधा करता वही पागल वाले काम में खा तेरे सारी आन रो वैर पिटा है। और फिर एक दिन लड़का का इतने थप्पड़ मारे हैं भाई, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, मेरा जब रेडमी का फ़ोन ले रखा था मैंने बाड़ी चुपके ने फ़ोन लिया था, तो उसमें मेरे में रिकॉर्डिंग भी थी। उसने थप्पड़ मारे हैं इतने बुंडे छोरा गैर यू रोन लाग रहा जमा जोर जोर की, और मैं भी उस टाइम बहुत रोई हूँ। सुबह जो मकान मालिक थी दादी लगे कर दी वो थी बेचारी मेरे पास, वो बोली ना के हो गया रीना। मैं आंटी ऐसे ऐसे बात है, बोली तू चाह कोई बात नहीं उतना टॉर्चर करा है वो अभी आ जाएगी। तो मैं को नहीं गई भाई, ठीक है। कुछ दिन बाद फिर नू बोलिया छोरा ज्यादा बीमार हो रहा है भाई, एक माँ की ममता है बच्चा बीमार हो जाए तो मैं तो बाजूंगी। तो मैं बोली मैं कितना बीमार हो रहा है, इस छोरा पर भी झूठ बुलवा दी इनू, कहू कह दे तेरी मम्मी ने भी मैं बीमार, मेरा बुखार हो रहा है मम्मी, तो इसने भी कह दी उसका कहना पे। तो जब ये छोटा था जमा, तो भाई उसने झूठ बोल के मैं बोली महा चल मैं आ गई, मैं 5,000 रुपये लेके आई उस दादी पे। महा दादी तू मेरा 5,000 रुपये दे दे, बोला कि मैं तो मना कर लिए पीछे कि मैं तू लिया, मैं कहीं सार ले चल लाँगे छोरा ने जगना सीरियस हो रहा है। तो मैं बोली मैं कहीं सार ले चल, मैं आ गई, मैं बोली मैं मोड़ पर खड़ी हूँ, तो मोड़ पर लिया छोरा ने, तो मोड़ पर भी कौन लेके आया, बोला बस स्टैंड पर आ जा, बोला नू हो रहा है नू, मेरा बस की बात को नहीं। मैं चल कोई बात नहीं, मैं बस स्टैंड पर भी चली गई। मैं बस स्टैंड पर गई तो मैं बोली मैं तो बस स्टैंड पर खड़ी हूँ तू इब तो आ जा, बोले तू गराए आ जा भाई ने मतलब घूम रखा है नौकर रखा है शाम ले आका एक बार। तो उनका प्लान कुछ और था, मैं चली गई, जाने के बाद भाई उसने कुछ नहीं करा, कुछ भी डंडा दर रखा था खून में, और मेरा छोरा जमा ठीक बैठा रजाई में, जमा ठीक बैठा मैं जान दे इसके नु हाथ करके ना, मैं बेटा तू तो ठीक है, मां तेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्यों होगा तेरा नो कुछ भी नहीं मम्मी ठीक हूँ मैं। तो मैं बोली मैं छोरा तो ठीक है, महा तेना मैं झूठ क्यों बोली मेरे ती, बोले मेरी छोरी कड़ा है, महा तेरी छोरी तो मैं छोड़ के आई हूँ, उसने गला कुकर लिया महा जड़ा मैं रहू हूँ, बोले मेरी छोरी तेने बेच दी, आज भी तारा सेमी खड़ी है बेच दी मैंने भाई, कोई माँ एक अपने बच्चे ने बेच देगी। तो बोले वो छोरी तो तेने मेरी बेच दी तू बेच के खा गई। मखा मैंने कोई बेची नहीं है तेरी छोरी, मखा तेरी छोरी सेफ है ठीक है, और मैं एक माँ हूँ मैं अपनी बच्चे ने बेच सकूंगे। मखा जब भूखी मरदी होंगी तो भी कौन बेचू, मैं अपना शरीर का अंग बेच दू उन खातर में, मैं खुद उन्हें नहीं बेचूंगी। तो वो बोलिया ठीक है कोई बात नहीं, उसने लठ काढ़िया भाई मेरा, इतने डंडे मारे उसने, इतने डंडे मारे मैं बेसुध कर दी जमा, उसने मैंने सारे डंडे मेरे हाथों पे, अरे ये देख भाई आंगली टूट रही मेरी, मेरे हाथों पैर टांगा पे लिए मैंने सारे डंडे मेरा। अच्छा। सिर में नहीं लागण दिया मैंने एक भी। तो एक बार तो मैं खड़ी होगा धक्का मार गई उसका, मेरे पर दोबारा नहीं उठा गया भाई, मैं खट्टे पर रह ली। पहले उसने मेरा फोन फोड़ा, उस फोन के कवर के पीछे मेरे 5,000 रुपये थे, तो वो जैसे मैं मांग के लाई थी छोरा खातर। तो उसने भाई मेरा जो मतलब जितने डंडे आए उसके हाथ में उतने मारे उसने मेरा, ठीक है उस चीज़ का मेरा प्रूफ भी है भाई। तो उसने उतने मारे मेरा, महा चल कोई बात नहीं, मैंने वो पड़ोसी आए सारे भाई छटवाण वास्ते, छोरे ने उठा कर लेगी काका की छोरी थी जो, वो बोली भाई क्यों मारा है, कहा पागल तो नहीं हो गया तो तेरा खातर आई है या तेना झूठ बोले क्यों बुलानी थी, कहा मान खातर बुलाई थी, बोला तू हट जा पर ना नहीं तेरे भी लाग जेगे। हाँ तो वे सारे साइड मट गए, किसी ने मतलब साथ नहीं दिया मेरा उस टाइम पर। तो वो मेरी जो चाचा की लड़की थी वह बाज के मेरे जेठ ने बुला के लाई, मेरे जेठ ने जो 112 नंबर पे फोन कर दिया, पुलिस आ गई तो उन्हें आके बचाई मैं, और जो मेरी दादी थी एक और उसका काका था उसने यह बात कही, डंडा तोड़ दिया उसने मार मार के मेरा, बांस का डंडा था इतना लंबा, तो वो डंडा टूट गया मार मार के, उसके बाद उसने कुत्ता चक लिया, कुत्ता आ गया उसके हाथ में। तो वो कुत्ता नहीं, वो मेरा काका था जो, उन्होंने बोला तेरे पर कौन लग दे, बोले अल्लाह मना दे, बोला मैं तोड़ूंगा, बोला उसकी टांग बा तेरा बस की बात को ना, ठीक है। फिर उसने यह बात कही ना तो मेरी दादी ने छटवाई ना उनकी मतलब प्लानिंग थी उनकी सारे की। अच्छा मेरा जेठ आया वो पुलिस ने लेके आया, अच्छा उसका आने के बाद उसने मेरी जेठानी थी जो उन्हें मेरे जेठ ने कुत्ता पकड़ा उस पर, उसने छटवाई मैं, तो उसने पुलिस बुला के ना मेरे पे उस पुलिस ने मेरे हालात कौन देखे भी या के हाल कर रखा है इसका, मर मार के ना मेरा हर जगह खून चला था डंडा का भी, और जमानू बड़े पड़ रहे थे मेरा सारा, तो हर जगह शरीर पर मेरा कोई ऐसी जगह नहीं थी जड़ा नहीं लाग रहे हो मेरा।
तो उस पुलिस वाले ने भी नूह कौन देखा भी इसके लात के रखे हैं इस आदमी ने, तो वो मेरे तय उल्टा बोले, इन्होंने मेरे पर उल्टा इल्जाम लगा दिया, बोले आगे भी ये तमाम ने ब्लैकमेल कर रहा है, कदे मेरे 50,000 रुपये मांगे, कदे मेरे पर 1,00,000 रुपये मांगे। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कहा मेरा फोन में रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं कहा मेरा फोन टवा दे तू एक बार। उसने मेरा फोन ने गप्त कर दिया, उठता भी उसमें चिप थी। मैं कहा एक बार मेरा फोन टवा दे सर, मैं कहा मैं उस फोन में महातना सारी A to Z बता दूँ कहानी भी के है। तो उन्हें मेरा फोन लको दिया भाई, वो मेरा फोन नहीं पाया, वो पुलिस वाला नोड़े पर चल के दे दिया, बोलिया अगर जो तू इसका दो रही दोबारा आवेगी या फोन फान करेगी तो तेना जड़ में डाल देंगे, और तू अगर भाई इसने तंग करागा ये फोन फान करके ना रो तो इसने जड़ में डाल देंगे। कहते ना कि चाहिए गुड़िया, मैं मेरा बच्चा चाहिए मन दो, मेरा बच्चा दवा दे उस पर। फिर वो लड़का ना, वो लड़का कौन देंदा, मैं कहा लड़कन तो मैं लेके जाऊँगा। पुलिस वाले बोले भी बच्चा दे दे इसका, तो बच्चा माँ का दो रह होगा, ये छोटा है भी। तो ठीक है, उसने भाई मेरे बाल के दवा दी, पुलिस वाला ने मेरी जिठानी ने जाके गाड़ी में गेड़ी। उसके बाद वो पुलिस वाले मैंने बीमाला अड्डा पतार के गए, बीमाला अड्डा पतार के गए, और तै बस आव थी टवाणा साइड तै, तो उन बस वाले ने मेरे देखा, मैंने हाथ दिया, मेरे उठन की आसंग भी कोना थी। तो मैं जब मतलब उसने बोलिया, वो बस वाला बोलिया, बोला क्या हो गया बेबे, मैं कहा भाई मैंने उन तभी कौन बताया, मैं भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिट पेट मार गया, मैं मोटरसाइकिल लड़ा, और उस टाइम 11वां महीना था, जड्डा पड़ा था मतलब थोड़ा थोड़ा, उस टाइम मेरा कामड़ी इतनी बुंडी चढ़ रही थी, हाथ पैर मेरे कुछ भी नहीं, मेरा नू भी कौन था, मैं बालक नहीं पकड़ लूँ, मैं नू भी कौन था, मेरा चोरा भी बेटा बेटा रो हुआ था गला। तो भाई उन बस वाला ना मेरे ती ले गए, मना में उनती मैं बरवाला छोड़ी, बरवाला छोड़ कर ना मेरे तक दवाई दवाई भी दवाई है बेचारे ने, और मैं उड़ा PGI में या थी अग्रवा मोड़ उड़ा के रही भाई मना में, क्योंकि मैं अग्रवा ही रहा कर दी। उस 3 दिन में उस PGI में एमरजेंसी में रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई होश नहीं था, किसने मेरे बच्चे रखे, किसने नहीं, उन मकान मालिक ने ही मेरा सब कुछ वो कराया बेचारे ने, ठीक है। 20 दिन में खाट में तो उठी थी भाई, 20 दिन के बाद मैं चलन लगी थी, आज भी मेरे आड़े इतने बुंडे दुख है, मेरे पर चल कौन जानता, बस मैं मजबूर हूँ, मैंने मजबूरी में काम करना पड़ा है, मेरे बच्चे पढ़ने हैं मैंने, मेरे पर काम नहीं बनता भाई, ठीक है। ये भी वो मेरा पेंडा नहीं छोड़ रहा है, घर भी कदे किसी ने भेजा है, कदे भी मैं घर बैठी हूँ। आपका पीयर में भेज है? हाँ, मेरे पापा और ना कहा जाकर बता दे वा कड़ा है। तो मेरे मम्मी ने बात हुई थी मेरी मम्मी तै, मेरी मम्मी ने कहा है उराव है वे पूछे है बार बार, मैं कहता हमें एक बार कंप्लेन कर दो थाना में, तो उन्हें भी मना कर दिया, बोला ना माम नहीं कर दे, मारी इज्जत है, मैं ठीक है तम तारी इज्जत रखो, मैंने कोई जरूरत को नहीं, और अगर आवे चाहे अगले लठ मारियो चाहे किमें करियो, मैंने कोई मतलब नहीं, मैं मैं जो मना करना है मैं वो करूँगी, ठीक है। मैं घनी दुखी हो रही हूँ भाई, मैं तो उन्होंने कहूँ हाथ जोड़ के कि उस आदमी का मेरा पेंडा छटवा दो, और मेरे बच्चों का जो हक है वो दिलवा दो बस, मैंने और कुछ ना चाहिए उस पर, मैं ना उसके अगला रहना चाहती और ना ही भाई मारी बन दी। बिल्कुल, देखो भाई बहुत बड़ी बात है ये, और ये संदेश है उन लड़के लड़कियों को जो परिवार की बगैर अनुमति के शादी कर लेते हैं। देखो इन्होंने पहले अरेंज मैरिज भी की थी, उसके बाद वहाँ पर बात नहीं बनी, तलाक हुआ, उसके बाद इसने जो बगैर घर वालों की अनुमति के भाग करके जो लव मैरिज की है, उसके बाद इसके साथ जो स्थिति है, जो दुर्व्यवहार इसके पति के द्वारा जो किया जा रहा है वो आपके सामने है भाई। दो मासूम बेटे बच्चे हैं, दिखा दे भाई, एक बेटी है एक बेटा है, और उसके बाद भी इस प्रकार से इनको टॉर्चर है जो इसके पति के द्वारा वो किया जा रहा है। हालांकि इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हाँ बच्चे ना दे, एक मिनट दूसरी उसमें करेंगे जी एक बार, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। और हालांकि हम प्रयास भी करेंगे भाई, जो इसका जो ससुराल पक्ष है, जो इसके पति हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिरकार ये मामला क्या है, कि इतनी तकलीफ इस लड़की को सहन करनी पड़ रही है। साथियों वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय रखे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन सोगिनचार के साथ मैं जबारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।